आज इस वीडियो में कम कीमत में एक बहुत ही शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाले हैं। ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। आप वीडियो के शुरू में ही देख चुके हो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने समय मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, इस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में आपको लास्ट में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पावरफुल स्पीकर को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा एम्पलीफायर मॉड्यूल। 30 से 40 रुपए के अंदर ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, लेंगे दो स्पीकर। और फ्रेंड्स, लेंगे एक 18650 लिथियम आयन बैटरी। और फ्रेंड्स, लेंगे एक चार्जिंग मॉड्यूल। इस चार्जिंग मॉड्यूल के सहारे से हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे। और फ्रेंड्स, लेंगे एक छोटा सा ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको 50 से 60 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, लेंगे एक ऑन ऑफ स्विच। और इस स्पीकर को डेकोरेशन करने के लिए 4 अलग अलग कलर के LED ले लिया। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पावरफुल स्पीकर को बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्पीकर का बॉडी बनाने के लिए एक PVC पाइप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहले तो इस पाइप को हीट देकर एक शीट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उस पाइप से हम PVC शीट बना लिया। आप हीट गन से भी PVC शीट बना सकते हो और गैस की चुल्ली से भी PVC शीट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे मार्क करके काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हम 4 टुकड़ा काट लिया और इसका डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस साइड पर है 15 सेंटीमीटर और इस साइड पर है 6.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम 4 पीस काट लिया और 2 छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 स्पीकर को लगाने के लिए यहाँ पर जगह बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस शीट पर हम स्पीकर के लिए 2 होल कर लिया और यहाँ पर बेस रेडिएटर के लिए 1 होल कर लिया। यहाँ पर हम एक बेस रेडिएटर यूज करने वाले हैं। तो ये जो स्पीकर है इसका साउंड क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम स्पीकर को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैं ग्लू से ये दोनों स्पीकर को फिक्स करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमें ये दोनों स्पीकर को ग्लू गन से यहाँ पर चिपका दिया। बहुत ही मजबूती से चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये उखड़ जाएगा। और ये जो रेडिएटर आप देख रहे हो यहाँ पर हम चिपका देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रेडिएटर भी चिपका दिया, ये बहुत ही मजबूती से चिपक गया। अब हम स्पीकर पर 2-2 करके वायर जोड़ देते हैं। दो स्पीकर पर 2-2 करके वायर जोड़ दिया। अब हम बोर्ड का कनेक्शन देख लेते हैं। ये जो बोर्ड है इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। ये है ब्लूटूथ किट, ये है एम्पलीफायर बोर्ड। इस साइड पर होगा बैटरी का कनेक्शन और इस साइड पर वह लेफ्ट राइट और ग्राउंड। ये जो दोनों बोर्ड आप देख रहे हो ये दोनों बोर्ड का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहले हम ये जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट। इस साइड पर होगा बैटरी का कनेक्शन और इस साइड पर LTR लिखा है। यहाँ पर हम ऑक्स का कनेक्शन देंगे और यहाँ पर आउटपुट लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये लेफ्ट स्पीकर होगा और ये राइट स्पीकर होगा, मतलब कि 2 स्पीकर लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। और अब हम आते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल पर। यहाँ पर इस साइड पर आप देख सकते हो ग्राउंड लिखा है, बैटरी का माइनस यहाँ पर लगेगा और VCC लिखा है, यहाँ पर बैटरी का प्लस लगेगा। और यहाँ पर जो लेफ्ट राइट ग्राउंड लिखा है यहाँ से हमारा ऑक्स का कनेक्शन निकलेगा और इस बोर्ड पर लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका कनेक्शन फटाफट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमें यहाँ पर बोर्ड पर कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पर दोनों बोर्ड का लेफ्ट राइट ग्राउंड ऐसे जोड़ दिया और दोनों बोर्ड का पावर सप्लाई हम एक जगह से ही देंगे, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर पैरेलल में जोड़ दिया। यहाँ पर हम बैटरी जोड़ेंगे और यहाँ पर 2 स्पीकर लगाएंगे। तो चलिए स्पीकर को भी जोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर को भी जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये 4 LED लगाएंगे। ये जो LED है ये स्पीकर का जो साउंड है उसके साथ साथ बजेगा। तो यहाँ पर 2 होल कर लेते हैं, यहाँ पर 2 होल कर लेते हैं और वहाँ पर ये 4 LED फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 LED, यहाँ पर 2 LED लगा दिया और 2 LED को हम इस स्पीकर पर लगा देंगे और 2 LED को इस स्पीकर पर डायरेक्ट वायर जोड़ देंगे। तो ये जो दोनों LED है वो स्पीकर के साथ साथ बजेगा। तो चलिए इसका भी कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो पर बने रहना और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम लाइट का कनेक्शन भी कर दिया और अब हम यहाँ पर बैटरी स्विच और चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद इस बॉक्स को जोड़ लेते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हो B+ और B- लिखा है। सिंपली यहाँ पर बैटरी हम प्लस माइनस देखकर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे और 2 वायर निकालेंगे और इस बोर्ड पर लगा देंगे और बीच में एक स्विच लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स इस स्विच का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है। यहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे और यहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे। आप देख सकते हो हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पर ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसका जो बॉक्स है इसे बना लेते हैं। ये सारे शीट को यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये सारी चीजें अंदर भर देते हैं। पहले एक डबल टेप लेते हैं और इसको अंदर चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स ये जो आप शीट देख रहे हो यहाँ पर हम स्विच भी लगाएंगे और चार्जिंग मॉड्यूल भी लगाएंगे। चार्जिंग मॉड्यूल लगाने के लिए यहाँ पर एक जगह बना लिया। यहाँ पर हमें ग्लू गन से इस मॉड्यूल को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। और ये स्विच है ये हम बीच में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसे भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये हमारा स्पीकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। आगे भी ऐसी आपको मजेदार वीडियो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सारे चीज को अंदर फिट कर दिया। उसके बाद इसका लुक बहुत ही गजब का दिखाई दे रहा है। और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो सुनना कितना मस्त साउंड क्वालिटी आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे इस स्पीकर को हम चार्ज कर सकते हैं और ऐसे हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि ये जो स्पीकर है ये पावर बैंक की तरफ वर्क करेगा। और फ्रेंड्स ये चारों LED साउंड के साथ साथ ग्लो होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो ये स्पीकर ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये स्पीकर पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे चार्ज करेंगे। आप इस स्पीकर को किसी भी 5 वोल्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर पावर बैंक का यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम केबल लगाएंगे तो ये ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज होने लगेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट जल चुका है। मतलब कि ये ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के बाद ये ब्लू लाइट जल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लूटूथ स्पीकर से मैं मोबाइल को भी चार्ज करके दिखा देता हूँ। पहले हम इस तरह का एक केबल लेंगे और इसे कुछ इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स इस मोबाइल को ही आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस स्पीकर से ये मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है। ये बन गया हमारा 2-in-1 ब्लूटूथ स्पीकर। तो फ्रेंड्स चलिए इसका अब साउंड टेस्ट करके देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कितना गजब का आता है। आप देख चुके हैं ये छोटा सा स्पीकर कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके साउंड क्वालिटी भी कितना ज्यादा बेहतरीन है। फ्रेंड्स अगर इस स्पीकर के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। फ्रेंड्स ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर लेना। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।